धोनी ने 5 साल के बाद रिंग में वापसी की है। सामने उनके पृथ्वी का खौफ है। नेशनल्स फाइनल में रिंग में उतरना किसी के लिए भी सपने की तरह होता है, लेकिन सामने जब पृथ्वी हो तो वो सपना पल में चूर चूर हो जाता है। कोई भी बॉक्सर इस टूर्नामेंट में उनके सामने सेकंड राउंड तक नहीं गया। 40 बाउट 40 नॉकआउट। पृथ्वी सिंह के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ बॉक्सर ही नहीं, पंचिंग बैग भी उनसे घबराते हैं। चलिए देखते हैं पृथ्वी सिंह का एक और नॉकआउट। बॉक्सर्स, यू हेड अप, नो बैक हेड ब्लोज, नो ओपन ब्लोज, नो लो विस्ट, आल्सो माय कमांड। शेक हैंड्स। आज हारने के पैसे नहीं मिलेंगे। फाइनल मुकाबला, पहले राउंड की शुरुआत। पृथ्वी सिंह शुरू से ही ऑफेंसिव दिखाई देते हुए, बेहतरीन प्रहार, आक्रामक शॉट्स, संभल नहीं पा रहे हैं, स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक प्रहार, और इन प्रहारों से बच पाना कोई आसान बात नहीं है। अजीज अली वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों बॉक्सर्स क्लिंच में। पृथ्वी के पंचेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेफरी ने छुड़ाया। पहले राउंड में पूरी तरह से दबदबा यहां पर, ऐसा लगता है कि जैसे अजीज को पहले राउंड की घंटी ने बचा लिया। पृथ्वी की स्पीड और पावर के सामने अजीज अली फीके नजर आ रहे हैं। सेकेंड राउंड तक तो अजीज अली पहुंच गए, देखते हैं और कितनी देर टिक पाएंगे। क्या कर रहे हैं? इसका खेल मत खेल, अपनी प्लानिंग से जा। पृथ्वी सिंह के सामने अजीज अली पहले ऐसे बॉक्सर हैं जो कि सेकेंड राउंड तक पहुंचे। और एक बार फिर अटैक पर, बिल्कुल पहले लम्हे से ही पृथ्वी। रेफरी ने आकर के दोनों को छुड़ाया। बहुत जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं पृथ्वी, अब हर प्रहार उनका एक्यूरेट, लेकिन यहां पर वापसी के लक्षण। वापस लौटना होगा अजीज को अगर इस मुकाबले को जीतना है। पृथ्वी का लेफ्ट हुक सीधे अजीज अली के चेहरे पर, अजीज अली नॉक डाउन। वन टू थ्री चैंपियंस कभी हार मानते नहीं हैं। अजीज किसी तरह से दोबारा खड़े हुए। ऑफेंस पर उतरना होगा, अग्रेसिव होना होगा और इन पंचेस से लगातार बचना होगा। नारायण प्रभु जो के कोच हैं अजीज अली के, अगर उन्हें अजीज की सलामती चाहिए तो ये बाउट उन्हें तुरंत रुकवानी चाहिए। और पृथ्वी को देखिए, आत्मविश्वास से लबरेज, जोश और जुनून में किसी तरह की कमी नहीं, अपनी हार को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं अजीज अली। सुन, वो मेडल के लिए लड़ रहा है, हम अनन्या के लिए। अजीज
दौर की शुरुआत हो रही है, ये फाइनल राउंड होगा। अब भी मौका है वापसी का अजीज अली के पास। काफी अलग बॉडी लैंग्वेज और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अजीज अली। मानो लगता है कि सारी एनर्जी उन्होंने इसी राउंड में बचा रखी है। पूरी की पूरी कहानी बदल गई। इसकी तो क्या गजब की वापसी की है। पृथ्वी इस समय अपने आप को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। के अंदर नचाने की कोशिश कर रहे हैं, थकाने की कोशिश कर रहे हैं पृथ्वी को। अगर पृथ्वी को लोग माइक टायसन कहते हैं तो अजीज अली भी मोहम्मद अली की याद दिला रहे हैं। विश्वसनीय वापसी है, न भूतो न भविष्यति। इससे पहले न ऐसा कभी हुआ और न शायद कभी होगा। क्या कोई सोच भी सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर अजीज अली अब चैंपियन बन गए हैं। आंखों से पिघलती हुई नमी, ये खुशी के आंसू हैं, सुकून के आंसू हैं, ये एक सपने के हकीकत में तब्दील होने के आंसू हैं। न जाने कितने ख्वाब देखे थे अजीज ने मैच फिक्सिंग में गुमनामी के 5 साल बाद। क्या कोई ऐसी बात कर सकता है, असंभव को संभव बना दिया है। अजीज अली ने अपने इतिहास के काले पन्ने पर कामयाबी की नई इबारत लिखी है। अजीज अली अब हर दिल अजीज है, अब सबकी जुबान पर बस एक ही नाम है, तूफान तूफान तूफान।